हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कार्मिक कनेक्शन, तो आज मैं कार्मिक कनेक्शन पे आपको क्लैरिटी देने वाली हूँ। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी, बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो कल मैंने ऑलरेडी ट्विन फ्लेम पे क्लियर कॉन्सेप्ट एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसे फॉलो कीजिए, देखिए, ताकि आप जज कर सकें कि क्या आप में वो क्वालिटीज़ हैं और क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। फिर आज मैं आपके लिए कार्मिक के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों ने कल वाली रीडिंग में कहा हुआ है कि मैम कार्मिक पे भी आप वीडियो बना दीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो कार्मिक कनेक्शन पे है कि कार्मिक कनेक्शन होता क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब कार्मिक कनेक्शन आपका, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो इसमें से मैं आपको एक कार्ड लेकर बताऊंगी, ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, बाकी कार्ड्स मैं बाद में लूंगी। ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसे हम कहते हैं, ये जो समय का पहिया है ये घूम के पड़ता है। जैसे आप अक्सर आपने बोला होगा कि हम आज अगर किसी के साथ गलत करेंगे तो कल को हमारे साथ भी गलत होगा। कई बार ये भी देखा गया है कि माँ बाप गलत करते हैं बट पड़ता बच्चों पर है, ताकि माँ बाप को ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको कहा जाता है भगवान सब कुछ देखता है, कर्म अच्छे रखो, ये सब हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, हमारे माता पिता हमें हमेशा ये शिक्षा देते हैं कि हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए। कभी भी ये मत सोचकर कोई गलत कर्म करिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है या आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो भी हम कर्म करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, एक एक कर्मों का बैलेंस शीट रिकॉर्ड होता है, और वो बैलेंस शीट हमें पड़ता है अच्छे से जब शनि देव की कृपा होती है। यहाँ पर ऐसा होता है कि आपने आज किसी के साथ गलत किया तो ये कभी मत सोचिए कि आपके साथ वो चीज़ें या आपके बच्चों पर वो चीज़ें नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ती है। और इसी को हम कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब कि आपके लाइफ में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इस जन्म में किसी के साथ बुरा करा या पिछले जन्म में आपने किसी के साथ कुछ धोखा किया, किसी को तकलीफ़ दी, किसी को किसी का कर्जा रह गया आपके ऊपर, तो वो बंदा या वो बंदी इस जन्म में वापस आएगा आपके लाइफ में और आपके साथ वो चीज़ें पे बैक करेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कर्मा, ठीक है। तो आप अगर लव लाइफ़ की बात करूँ, क्योंकि ये जो रीडिंग्स मैं डेली करती हूँ ये लव लाइफ़ को लेकर ही होती हैं ज़्यादातर। लव लाइफ में कार्मिक का क्या मतलब होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्मिक कनेक्शन होता कैसा है? जब भी आप अपने कार्मिक से मिलोगे ना, इंस्टेंट कनेक्शन होगा, मतलब आप दोनों एक दूसरे की तरफ इंस्टेंटली प्यार में पड़ जाओगे, ठीक है। लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जी होती है कार्मिक की। कार्मिक एनर्जी बहुत हद तक ट्विन फ्लेम जर्नी से मिलती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। कई लोग कार्मिक और ट्विन फ्लेम में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सोलमेट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन कार्मिक और ट्विन फ्लेम कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कार्मिक से डील कर रहे हैं या वो ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक मैच करती है एनर्जी। तो कार्मिक में ये होता है कि जब आप अपने कार्मिक पार्टनर से मिलते हो ना, तो इंस्टेंट कनेक्शन होता है, लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जी होती है। वो भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार जताएगा, आप भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार जताओगे। दोनों एक दूसरे के लव में, लव एक्सेप्ट करने के बाद की बात कर रही हूँ, लव एक्सेप्ट हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस, अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयर, कुछ महीने या कुछ साल ये चीज़ें चलती हैं, जब तक आपका उसके साथ कर्मा है, ठीक है। जब वो आपको पूरी तरह से अपने कब्ज़े में ले लेता है या ले लेती है, जब उसे लगता है कि अब पूरी तरह से, मतलब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, को डिपेंडेंसी होती है कार्मिक में, को डिपेंडेंसी होती है, इतना ज़्यादा मोहब्बत होता है कि उसके बाद आप एक दूसरे पर को डिपेंडेंट हो जाते हैं। को डिपेंडेंट इतनी बढ़ जाती है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, आप उसके बारे में 24/7 सोचते हो, वो आपको ट्रिगर पे ट्रिगर देता जाएगा, ट्रिगर पे ट्रिगर देता जाएगा, आप परेशान होते जाओगे, आप टूटते जाओगे, लेकिन फिर भी आप उससे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, आप उससे अटैचमेंट रखते हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब इतना डीप लेवल कनेक्शन आपका बन जाता है, तब वो बंदा या वो बंदी आपको ऐसा झटका देता है ना, फिर आपकी दुनिया पलट जाती है एक तरह से कहा जाए तो। उस वक्त आपको लगता है कि आप खड़े हो और आपके नीचे से धरती किसी ने हिला दी है, निकाल लिया धरती, आप कहाँ खड़े हो आपको ये भी नहीं पता है, कोई चीज़ का होश नहीं रहता आपको, किसी चीज़ का होश नहीं रहता।
आपको क्या करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, पूरी तरह से आपको तोड़ देता है कार्मिक कनेक्शन। सबसे पहली बात तो वो बंदा आपके सामने इतना अच्छा रहेगा या रहेगी, आपको लगेगा कि यार इससे ज़्यादा मोहब्बत तो मुझे कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन वो पीठ पीछे बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा। अब मैं आपको ये कार्ड्स दिखाती हूँ जो कि कार्मिक्स के कुछ नेचर हैं, बिहेवियर हैं। द वर्ल्ड जो मैंने आपको अभी तक बताया, जर्नी है, टफ जर्नी है, कर्मा आपका, जिसके जिसके साथ कर्मा है, ज़रूरी नहीं एक ही के साथ आपका कर्मा हो, आपके कर्मा कई लोगों के साथ हो सकते हैं, आपके लाइफ में दोस्त बन के, रिलेटिव बन के, मित्र बन के, कई बार बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन के, कई बार शादी के बाद आपकी शादी आपके कार्मिक से हो जाती है, और जितना कर्मा है ना, जितना आपने उनको तड़पाया है पिछले जन्म में, उतना वो ज़िंदगी भर आपको तड़पाते हैं या तड़पाती हैं। घुट घुट के कई लोग पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं कार्मिक कनेक्शन में, आफ्टर मैरिज, अंत में कुछ लोगों का अगर कर्मा पूरा हो जाता है तो डिवोर्स तक चला जाता है। ये होता है कि चलो डिवोर्स हो गया, इतनी मुश्किल से बाहर निकल गए, और जब आपका कर्मा पूरा होगा तो कार्मिक पार्टनर से बाहर निकलने के बाद 2 साल 3 साल के बाद आप उसे भूल जाते हो, आप उसे भूल जाते हो, आप बल्कि खुश होते हो, क्योंकि फिर उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती है। ठीक है, फिर आपको लगता है कि जो हुआ पीछे वो अच्छे के लिए हुआ, ये एक्सपीरियंस होता है कर्मा का। ठीक है, कुछ लोग कर्मा जिसका जिसके साथ बहुत ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा कर्मा डील करते हैं, बहुत तड़पते रहते हैं। आपने कई कपल्स देखे होंगे जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं, दिन भर लड़ाई झगड़े, मार पीट, गाली गलौज, लेकिन फिर भी निभाते रहते हैं, निभाते रहते हैं, जब तक उनका कर्मा है उनको निभाना होगा। ठीक है, कुछ कपल्स होते हैं जिनके में पहले में बहुत प्यार रहता है, बहुत लव, बहुत अफेक्शन, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग, बहुत स्ट्रांग लगता है, जैसे कि माशाल्लाह क्या कपल है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हर छोटी छोटी पॉइंट पे झगड़े, हर छोटी छोटी पॉइंट पे अब्यूसमेंट, हर छोटी छोटी पॉइंट पे ट्रस्ट इशूज़, हर छोटी छोटी पॉइंट पे टॉर्चर, समटाइम्स हाथ भी उठा देना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। फिर आपको धीरे धीरे अपने अंदर से पता होता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे कनेक्शन में। कुछ लोगों को लगता है यार कोई ब्लैक मैजिक हो गया क्या, किसी ने कुछ करा वरा तो नहीं दिया मेरे पार्टनर के ऊपर, बट ऐसा नहीं होता है, वो होता है कर्मा। ठीक है, फिर आपके पार्टनर टॉक्सिक बिहेव करने लगते हैं, फिर आपके पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाने लगते हैं या लगती हैं, फिर वो आपकी वैल्यू कम करने लगते हैं, ये आपको वो आईना दिखाते हैं कि आपने मेरे साथ जो जो किया है पिछले जन्म में वो चीज़ें मैं आपको पे बैक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। समटाइम्स शनि का बहुत ज़्यादा रोल होता है कर्मा में, ज़्यादातर देखा गया है कि शनि जब डायरेक्ट होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, या शनि का जो आपके राशि पे प्रकोप पड़ता है, तो आपके काफ़ी कर्मा रिलीज होने लगते हैं, काफ़ी अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे और बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा, ये चीज़ें होने लगती हैं। तो जस्टिस के देवता ही माने गए हैं शनिदेव, और इस समय शनिदेव डायरेक्ट हैं, ठीक है, कैप्रिकॉन में, और पिछले 2 साल से शनिदेव का प्रकोप आप लोग देख रहे हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे बहुत ज़्यादा डिवोर्सेज हों, बहुत ज़्यादा सेपरेशंस हों, ये सब कर्मा है। एंड डेथ, एट लास्ट कर्मा में डेथ होता है, एंडिंग्स होती हैं, रिलीज होता है कर्मा। ठीक है, अगर आप सोल जर्नी में हैं या डिवाइन जर्नी में हैं, तो कर्मा रिलीज करेंगे तभी यूनियन होगा, ये चीज़ें होती हैं यूनियन के लिए, परमानेंट रियूनियन के लिए कर्मा रिलीज होता ही होता है, क्योंकि यूनिवर्स की गाइडेंस मिलती रहती है, अपने आप को आप ग्रो करते रहते हैं, अपने आप को आप आगे बढ़ाते रहते हैं, और आपका कर्मा आप रिलीज़ करते हैं। और जो कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर आपसे पहले बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग थी, एक दूसरे के लिए मर मिटने वाला जज्बा था, फिर धीरे धीरे करके उनके अंदर चेंजेस आने लगे, वो एटीट्यूड में जाने लगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, टॉक्सिक बिहेव करना, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करना, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर देना, आपके रोने से, आपके बिलखने से, आपके तड़पने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको मुड़ के देखेंगे नहीं, आपको अनब्लॉक करके पूछेंगे नहीं कि आपकी तबीयत कैसी है, या मैंने आपके बारे में ऐसा सुना, या मैंने आपके बारे में वैसा सुना। अगर इस तरह के रिलेशनशिप में आप हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, या आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या कोई रिलेटिव हो, या कोई दोस्त हो, पर्टिकुलर मैं नहीं बता रही हूँ, सबके लिए ये है, जो भी यहाँ पर इस तरह का बिहेवियर रखता है वो आपका कार्मिक हो सकता है।
ठीक है। कार्मिक कनेक्शन बिल्कुल ट्विन फ्लेम की तरह होता है, बहुत ज़्यादा आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, लेकिन डिफरेंस क्या है, कार्मिक जो है वो रिलीज़ होगा, वो आपको तड़पाएगा, परेशान करेगा और उसको खुशी मिलेगी उसमें, उसे तकलीफ़ नहीं होगी उस चीज़ की, ठीक है। और वो अंत में आपको ख़त्म करेगा, मतलब वो रिलेशनशिप आपका या वो उनसे नाता आपका टूट के ही रहेगा, इस तरह की एनर्जी। जब तक इनका कर्मा है तब तक निभेगा किसी तरह एडजस्टमेंट करते करते, एट लास्ट एक ऐसा मोमेंट आएगा जब कर्मा रिलीज़ होगा, जब तक आपका उनके साथ अटैचमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। फिर ट्विन फ्लेम में ये होता है कि आपको तकलीफ़ वो बंदा या वो बंदी दे नहीं सकता, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैंने ट्विन फ्लेम पे ऑलरेडी रीडिंग कर दी है तो आप देख सकते हैं, उसमें तो आपको तकलीफ़ होगी तो उस बंदे को भी तकलीफ़ होने लगेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं लेकिन मेरा पार्टनर तो मुझे पूछता ही नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप इमेजिन भी करते हो, टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तो अगर आप टेलीपैथिकली उनको ये वाइब भेजते हो कि आप दुख में हो या आप बीमार हो और आप उनको दिल से याद करते हो ना, तो वो बंदे का आपको 2-4 दिन के अंदर फ़ोन आ जाएगा। वो बंदे का इनडायरेक्ट वे में या कहीं से भी उसे कोई एक ऐसी गाइडेंस मिलेगी, वो बंदा आपको फ़ोन करके पूछ लेगा कि और भाई क्या हालचाल है, ठीक है। आप भी शॉक हो जाते हो, या आपका अगर आप गुस्से में हो, अगर आप उन्हें कुछ चीज़ आप उन्हें उनके बारे में पता करी हैं और कुछ किसी बात से आपको उनके नाराज़गी है और आप उन्हें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे रहे हो, अगर आपने हफ्ते भर भी उन्हें एनर्जी नहीं दी ना, 10 दिन, तो वो बंदा परेशान हो जाएगा। वो बंदे के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगेंगी कि वो बंदा परेशान हो जाएगा, उसकी एनर्जी लो होने लगेगी और वो तुरंत से आपसे एनर्जी लेने के लिए आ जाएगा। तो ये चीज़ें डिफरेंस होती हैं। तो ट्विन फ्लेम इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो एक ही आत्मा होती है तो वो दूसरे आत्मा को मिरर करती है, ठीक है। टेलीपैथिकली तो कनेक्टेड होते ही हैं, चक्रा भी सेम होते हैं, एनर्जी भी सेम होती है। अगर उनके सोलर प्लेक्सस चक्रा में प्रॉब्लम है तो आप उसे पिक कर लोगे, अगर उनके हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है तो आप पिक कर लोगे, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। लेकिन ये बंदा सिर्फ आपको हार्ट में तकलीफ़ देगा, अगर आपके हार्ट में पेन हो रहा है तो कार्मिक की एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। कार्मिक दिल से रुलाता है, आत्मा से रोते हैं लोग कार्मिक के साथ। और कुछ लोग तो तड़प तड़प के ये बोलते हैं कि यार मेरे को निकाल दो इस जर्नी से, मतलब ये कार्मिक पार्टनर के साथ नहीं रहना मुझे। और निकलने के बाद बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं अच्छा हुआ मेरे लाइफ से चला गया या चली गई, ऐसा बंदा या बंदी तो मेरे को चाहिए ही नहीं था। तो ये होते कार्मिक एनर्जी। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है या ऐसा रिलेटिव है या ऐसे दोस्त मित्र हैं जो कि आपके साथ बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बट धीरे धीरे करके वो बिल्कुल चेंज हो गए, जिन्हें आपके रोने से, आपके तड़पने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके कार्मिक हैं। सो ये रीडिंग मैंने आज आपके लिए की है, जिन लोगों को कार्मिक के बारे में जानना था, स्पेशली उनके लिए। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक गाइडेंस मिली हो, और हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें। जो बंदा आपका है, चाहे आप किसी भी जर्नी में हों, जो बंदा आपका है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो बंदा आपका है नहीं या जिसके साथ आपका कुछ कर्मा है, वो बंदा के लिए रोने का कोई मतलब नहीं है। सो ऑलवेज़ बी होपफुल इन योर लाइफ, ऑलवेज़ बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, ऑलवेज़ डू सेल्फ लव, हमेशा खुद की सोल को, खुद की आत्मा को सबसे पहले रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले रखें, ताकि जो भी बंदा अगर आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, तो वो आपकी वैल्यू करेगा, आपके साथ साथ हायर वाइब्रेशन में आएगा और आपका हाथ थामेगा। और जो बंदा आपका कार्मिक है वो आपकी वाइब्रेशन को मैच ही नहीं कर पाएगा और वो आपसे रिलीज़ हो जाएगा। तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।